नमस्कार, अन्नपूर्णा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर बनाना बहुत ही आसान होता है, आप इसे घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आइए बनाते हैं कढ़ाई पनीर। सबसे पहले शिमला मिर्च को मैंने चौकोर में काट लिया है, पनीर को भी चौकोर में काट लें। प्याज को मोटा मोटा काट लें, फिर उसके एक एक परत को इस प्रकार निकाल लें। ग्रेवी के लिए दो मीडियम साइज की टमाटर कटी हुई, थोड़े से लहसुन, लाल मिर्च, एक इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, दो मीडियम साइज की प्याज कटी हुई, चार दालचीनी के टुकड़े, मसालों में एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटी चम्मच मेथी दाना, एक छोटी चम्मच जीरा, थोड़ी सी कसूरी मेथी, नमक स्वाद अनुसार। गैस पे कढ़ाई को रखें, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालें। तेल गर्म होते ही इसमें सबसे पहले पनीर को फ्राई करें। पनीर को फ्राई करना ऑप्शनल है, आप चाहे तो बिना फ्राई किए हुए ही पनीर को बना सकते हैं। पनीर को बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें, बिल्कुल हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करें। अब उसे निकाल लें। फिर उसी कढ़ाई में हम शिमला मिर्च को फ्राई करेंगे। शिमला मिर्च को बस एक मिनट तक ही फ्राई करें ताकि इसका कलर चेंज होने ना पाए। शिमला मिर्च हमारा फ्राई हो चुका है। अब उसी कढ़ाई में हम प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को भी एक मिनट तक ही फ्राई करें, ज़्यादा देर तक फ्राई ना करें, बस इसे सॉफ्ट होने दें। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, अब प्याज को निकाल लें। आप देख सकते हैं सब्जियां हमारी फ्राई हो चुकी हैं। ग्रेवी बनाने के लिए उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालें, उसमें दालचीनी, लाल मिर्च, अदरक का टुकड़ा और लहसुन डालें, उसे चलाएं। अब इसमें काजू और बादाम डालें, जीरा और कसूरी मेथी डालें, इसे चलाएं। आंच को मीडियम ही रहने दें। अब इसमें कटी हुई प्याज डालें, प्याज के बाद कटे हुआ टमाटर डालें और इसे चलाएं। फिर उसमें नमक डालें और इसे चलाएं। अब इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालें और इसे चलाएं। चला करके इसे ढक करके दो मिनट तक मीडियम फ्लेम पे रहने दें। दो मिनट हो चुका है, प्याज टमाटर वगैरह हमारा गल चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकालें और ठंडा होने दें। ठंडा होते ही इसे ग्राइंडर में डालें और इसका बहुत ही बारीक सा पेस्ट तैयार करें। पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब हम सेम कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल गर्म होते ही इसमें मेथी दाना डालें और दालचीनी डालें। फिर जो हमने पेस्ट बनाया था अब उसे डालें और इसमें मसाले डालें। आंच को मीडियम ही रहने दें और इसे चलाएं। चला करके इसे ढक करके दो मिनट तक पकने दें। दो मिनट हो चुका है, मसाला हमारा भून चुका है। अब इसमें शिमला मिर्च डालें। शिमला मिर्च डालने के बाद इसमें प्याज डालें। प्याज के बाद इसमें फ्राई किया हुआ पनीर डालें और इसे चलाएं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालें, पानी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पानी को बहुत ज़्यादा ना डालें। नमक हमने पहले ही डाल दिया था इसलिए हम नमक नहीं डालेंगे। अब इसे 4 से 5 मिनट तक ढक करके इसे पकने दें। कढ़ाई पनीर हमारा तैयार है, आप इसे अपने घर में बना करके आसानी से खिलाइए
और इसे धनिया पत्ती से डेकोरेट करिए। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।